ओए दोस्तों, डाकू आडम सीजन 2 के एंड में आपने देखा, डीजीपी घोस्ट क्रिमिनल को मारने के बहाने डाकू आडम को पकड़ने की साजिश करता है, पर इंस्पेक्टर हिपॉप के जल्दबाजी करने की वजह से डाकू सतर्क हो जाता है और वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। अब आगे ओए गाइज, आप लोगों के कहने पे डाकू आडम सीजन 3 आ गई है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर लो, और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर देना। रे इंस्पेक्टर, यो क्या कर दिया तुमने? अभी डाकू को नहीं पकड़ना था? और डीजीपी साहब, यही मौका था, आपने साथ नहीं दिया, वरना डाकू आडम को पकड़ ले तो हम। अरे भाई, यहाँ उसके बहुत सारे आदमी थे, हम ना पकड़ सकते थे, तू थोड़ी देर इंतजार ना कर सकता था भाई? डीजीपी साहब, यहाँ हम बहस कर रहे हैं और डाकू हमारे हाथ से निकल रहा है, हम क्या करेंगे अब? अभी पूरी पुलिस फोर्स को पीछे भेजता हूँ। हेलो भाई, चारों ओर नाकाबंदी कर दो, डाकू हाथ से निकल चुका से, हमें उसे कैसे भी करके पकड़ना से, जिंदा या मुर्दा। क्या रे आडम, बोला था ना मैंने तेरे को ये पुलिस वालों पे भरोसा नहीं करने का, साले धोखेबाजी छोटे। सही कहा भैया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीजीपी मेरे साथ ऐसा करेगा। अब तक तो डीजीपी ने हर जगह नाकाबंदी करवा दी होगी, अब क्या करेंगे हम सरकार? फिलहाल तो हमारा एक अड्डा है जहां पुलिस वाले नहीं पहुंच पाएंगे, वहां हम महफूज रहेंगे। अरे पर ज्यादा देर तक हम वहां नहीं रुक पाएंगे, पुलिस वाले कभी भी आ सकते हैं। अच्छा तो यहां पे रहेंगे हम? इस वाले अड्डे के बारे में तो सरकार मुझे भी नहीं पता था। हाँ क्रिमिनल, मुझे पता था, एक न एक दिन ऐसी नौबत तो आनी ही थी, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बताया था। छोटे सही किया तूने, पुलिस वालों को यहाँ पहुँचने में टाइम लग जाएगा, तब तक अपन सोचते क्या करना है आगे। ए साइड में लगा, सारी गाड़ियों का चेकिंग होगा। क्या हुआ, अब क्या खबर लेकर आया है? पीटर, बहुत अच्छी खबर मिली है, आडम को पुलिस वाले मारने वाले थे, तभी वो साला भाग गया। अरे डाकू को भागने का मौका नहीं देना था, वो हाथ नहीं आएगा। नहीं रे पीटर, पूरे शहर की पुलिस उसके पीछे पड़ी है, डीजीपी ने ऊपर से ऑर्डर दे दिया है, जिंदा या मुर्दा उसको पकड़ना ही है। डाकू ने मेरे भाई घोस्ट क्रिमिनल को मारा है, तो अब डाकू को मारने के लिए डीजीपी की थोड़ी मदद कर देते हैं, समझ गया ना तू क्या करना है? समझ गया पीटर, क्या करना है? हेलो, कौन बोल रिया से भाई? डीजीपी साहब, आपका दुश्मन अपुन का दुश्मन है, इस हिसाब से मैं आपका दोस्त हुआ। रे के चाहिए तन्ने, मन्ने कॉल क्यों किया? मैंने आपकी मदद करने के वास्ते कॉल किया है, मैं आपको डाकू आडम के सारे अड्डों का एड्रेस बताता हूँ, आप सभी जगह रेड करो, वो साला कहीं भी हो सकता है। ठीक से समझ गया, जल्दी मन्ने पूरी लिस्ट भेज दे। वैसे डीजीपी साहब एक सलाह देता हूँ, पुरानी गलती फिर से मत दोहराना, जैसे ही चाडम मिले ठोक देना साले को। अब यो अड्डा डाकू का आखिरी अड्डा बचा से, चलो भाई पूरी जगह छान मारो, यो उसका सबसे बड़ा अड्डा से, बहुत कुछ मिलेगो। सरकार आपने कुछ सोचा है आगे क्या करना है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ क्रिमिनल, चिंता मत कर, हम एक प्राइवेट जेट खरीद लेंगे और जितने पुलिस वाले खरीद सकते हैं उतने खरीद लेंगे, फिर ये देश छोड़ देंगे ताकि हम सेफ रहे। बहुत ही अच्छा प्लान है सरकार, एक बार बस हम यहाँ से निकल गए, फिर वो लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। छोटे प्लान तो अच्छा है, पर एक बहुत बुरी खबर है, पुलिस वालों ने हमारे सारे अड्डों पे रेड कर दी और हमारा जितना भी माल था, पैसा था, वो जब्त कर लिया। आखिर ये कैसे हो सकता है भैया, पुलिस वालों को हमारे सारे अड्डों के बारे में कैसे पता चल गया? शायद हमारा कोई अंदर का आदमी उनके साथ मिला हुआ है। मुझे पता है सरकार, ये किसने किया है, ये उस हराम खोर येलो क्रिमिनल का ही काम है, एक बार मुझे मिल जाए मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अब एक ही रास्ता बचा है, अगर जिंदा रहना है तो सरेंडर कर देते हैं।
छोटे अगर सरेंडर कर देंगे तो हम लोग जिंदा रहेंगे, पर तेरा तो वो एनकाउंटर कर देंगे, फिर अपन तेरे बगैर क्या करेंगे। आप ऐसे आज नहीं मान सकते सरकार, आप आदम डाकू है, कोई ना कोई रास्ता निकालिए। फिर एक ही रास्ता है हमारे पास, हम सकुरा के साथ हाथ मिला लेते हैं, वही हमारी मदद कर सकता है। क्या बकवास कर रहे हो आप, होश में तो हो, सकुरा हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। छोटे पर वो दुश्मन है, वो हमारा साथ कैसे देगा। भैया सकुरा बहुत बड़ा टॉयलेट माफिया है, शहर में उसकी बहुत चलती है, पूरी पुलिस फोर्स उसके नीचे काम करती है। मैं उसका बहुत बड़ा कंपटीशन था, उसके कमोड में उतना दम नहीं जितना हमारे कमोड में था, तो अब मैं सकुरा को ऑफर दूंगा साथ में काम करने के लिए। कमोड बनाने से बेचने तक सारा काम हम ही करेंगे, सकुरा बस हमें पुलिस की गारंटी देगा कि वो हमें कुछ ना करे, बदले में दोनों 50% पार्टनर्स हो जाएंगे। हमारा मार्केट बहुत बड़ा है, वो उसे मिल जाएगा तो वो पक्का हमारा साथ देगा। तो बताइए कैसा लगा आप लोगों को ये प्लान। बहुत ही घटिया प्लान है सरकार, सकुरा नूब बंदों के साथ कभी डंडा नहीं करेगा, उसे नूब से नफरत है, इससे अच्छा तो सरेंडर कर देते हैं। अबे छोटे तू होश में तो है ना, सकुरा कोई बेवकूफ नहीं है, हम उसका कंपटीशन है, तो वो हमारे साथ काम कैसा करेगा, इससे अच्छा तो वो हमें मरवा ही देगा ताकि कंपटीशन ही ना रहे। तो भैया और करे भी क्या, हम कंगाल हो चुके हैं और हमारे पास टाइम भी नहीं है, पुलिस वाले कभी भी हम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है तो ये आखिरी रास्ता है तो अपन यही करके देखेंगे। पर सरकार हम सकुरा तक कैसे पहुंचेंगे, पुलिस वाले शहर में हमें कुत्ते की तरह ढूंढ रहे हैं। वो सब तू मुझ पर छोड़ दे, मुझे बस सुबह तक एक पुलिस वाले की कार चाहिए जिसमें काले शीशे हो। ठीक है सरकार हो जाएगा, मैं अभी निकलता हूँ पुलिस वाले की कार ढूंढने के लिए। ये लो सरकार आ गए, अब काम पे लगते हैं। सब लोग समझ गए ना क्या करना है। क्या हुआ क्रिमिनल, पुलिस वाले की कार मिली। हाँ सरकार, मैंने और पड़ क्रिमिनल ने मिलकर रात को कार छुड़ा ली और काले शीशे भी लगवा दिए हैं। छोटे अभी सही मौका है, सकुरा से मिलने के लिए निकलो तुम लोग, क्योंकि अभी ज्यादातर पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिजी है। चलो तब तो बढ़िया मौका मिल गया है, पुलिस वाले तो एक घंटे तक बड़ी बड़ी फेंकते ही रहेंगे मीडिया के सामने, तब तक हम अपना काम भी निपटा लेंगे। छोटे फिर भी सतर्क रहना, पुलिस वाले मौजूद है पूरे शहर में। हाँ भैया ध्यान रखेंगे। सर बहुत बड़ा टॉयलेट माफिया आदम डाकू शहर में खुलेआम घूम रहा है, पुलिस क्या कर रही है। रे जैसे कि आप देख सकते हो, हमने उसके सारे अड्डों पे रेड मारी से, बहुत सारे हथियार और पैसा बरामद हुआ से, अब उसके पास कुछ ना बचा गई और पुलिस उसको सारे शहर में ढूंढ रही से, अभी कहीं डर के छुप के बैठा होगा। सर ये आदम डाकू तो काफी टाइम से कमोड बेच रहा था, तो पुलिस वाले अब तक क्या कर रहे थे, तभी उसे क्यों नहीं पकड़ा। रे भाई पुलिस तब बड़े ऑपरेशन में बिजी थी, हमने इंटरनेशनल टॉयलेट माफिया होस्ट क्रिमिनल को मार गिराया से, वो तुम लोग को ना दिखता। हाँ सर ये तो पुलिस वालों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ बाबू मोसाई हम वादा करते हैं, हम आदम डाकू को जल्द से जल्द पकड़ लेंगे, नो मोर क्वेश्चन, थैंक यू। ये पुलिस वाले भी ना बस स्टैंड एयरपोर्ट हाईवे पर चेकिंग करते हैं, इनको क्यों लगता है कि हम रोड पे खुलेआम निकलेंगे। हाँ जैसे कि हम रोड पे निकलेंगे और वो हमें बोलेंगे साइड में लगा हैंड्स अप। बस अब सकुरा टाइम से होटल पे आ जाए और हमारी डील हो जाए। सरकार मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता, क्योंकि वो हम लोगों की इज्जत नहीं करता, तो उसे आप ही बात करना। हाँ क्रिमिनल सकुरा से मैं ही बात करूँगा। अरे सरकार सामने तो पुलिस वाले खड़े हैं नाकाबंदी करके। मुझे लगा ही था क्रिमिनल ऐसा ही होगा, इसीलिए मैंने तुझे पुलिस वाले की कार लेने के लिए बोला। सरकार उन्होंने हमें रोका क्यों नहीं। वो सिर्फ सिविलियंस की कार रोकते हैं, पुलिस वालों की नहीं, उन्हें लगा होगा कि हम पेट्रोलिंग पे निकले हैं और पुलिस वाले हैं। अच्छा तो काले शीशे भी इसीलिए करवाए ताकि वो सही से देख ना पाए। ये ले क्रिमिनल हम शहर पहुंच गए और जिस होटल में हम सकुरा को मिलने वाले हैं वो होटल भी पास में ही है, बस 2 मिनट में पहुंच जाएंगे। सुबह का टाइम सही है सरकार, ज्यादातर लोग सो रहे होते हैं आलसी कहीं के। चलो सही सलामत पहुंच तो गए, यही है वो होटल। सरकार या तो आप बेवकूफ हो या तो बहुत ही हिम्मत वाले, सकुरा को उसके ही एरिया में मिलने बुलाया है, अगर कुछ हुआ तो हम यहाँ से जिंदा तो नहीं लौट पाएंगे।
तू ज्यादा मत सोच क्रिमिनल, जो होगा देखा जाएगा। अरे सॉरी रे सर, हमारी होटल पूरी बुक हो चुकी है, आपको एंट्री नहीं मिल सकती, आप दूसरी होटल ढूंढ लीजिए। हाँ मैंने ही तेरी पूरी होटल बुक की है, मुझे कोई तीसरा मेरी मीटिंग में टांग गड़ाए वो बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी सर, मुझे मालूम नहीं था, और बाकी के लोग कहाँ हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे। नहीं हम सिर्फ 3-4 लोग ही होंगे मीटिंग में। एक मिनट सर, मैंने आपको कहीं देखा है? अरे आप तो आडम डाकू है, मोस्ट वांटेड। हाँ और अगर तुझे जिंदा रहना है तो अपना मुंह मत खोलना कि मैं यहाँ पर आया हूँ। और वैसे भी तेरे बाप सकुरा को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा कि तू उसके मेहमानों के साथ ऐसा कर। अरे बाबा पहले बताना था ना कि आप सकुरा जी से मिलने आए हो, मेरे को मालूम नहीं था। चलिए सरकार हम चलते हैं। अरे ये आडम डाकू यहाँ पर आए, रे बाबा मुझे कुछ करना पड़ेगा। ओए देखना बंटी, बहुत मजा आएगा, आडम डाकू कैसे मेरे पास गिड़गिड़ाएगा। सही कहा, ये साला बर्बाद हो चुका है, आपसे भेक मांगने आया होगा। अरे सकुरा जी आप यहाँ पर आए, हमारे होटल को 4 चांद लग गए, आपके गेस्ट टेबल नंबर 10 पर बैठे। अच्छा तो वहाँ पर बैठा है वो, चल बंटी उससे मिल लेते हैं। सरकार सकुरा आ गया है, वो देखिए। ओए मुझे तो आश्चर्य हुआ कि तुम लोग मेरे शहर में मुझसे मिलने आए। हाँ आने का इरादा तो नहीं था पर आना पड़ा, आइए बैठ के बात करते हैं। हाँ मैंने वो सुना, पुलिस वालों ने तुम्हारे अड्डे पे रेड कर दी, और कैसे तुम लोगों को वहाँ से कुत्तों की तरह भागना पड़ा, बहुत बुरा हुआ। वैसे हम काम की बात करते हैं जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं सकुरा जी। हाँ ठीक है, बताओ तुम नुबड़ों को मुझसे क्या काम की बात करनी है। ओए देखो सकुरा, तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है, तुम्हें पता ही है हमारे कमोड बेस्ट होते हैं, हमारा मार्केट भी बहुत बड़ा है, तो हम दोनों हाथ मिला लेते हैं, कमोड बनाने से बेचने तक सारा कारोबार हम संभालेंगे, तुम बस हमें पुलिस प्रोटेक्शन देना, पुलिस हम तक नहीं पहुंचनी चाहिए, और दोनों की 50-50% पार्टनरशिप। ओए क्या बात है, पार्टनर बनना चाहते हो, 50% इतनी औकात हो गई? नहीं एक काम करते हैं, 70% मेरा और 30% तेरा, ये भी कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ सही कहा, ये ठीक नहीं है। एक आखिरी प्रस्ताव देता हूँ, 100% मेरा, तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। निकलो यहाँ से बेवकूफ कही के, बड़े आए मेरे से धंधा करने वाले। वही सकुरा रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और प्रस्ताव है। सरकार आपने ये क्या कर दिया, पागल तो नहीं हो गए, सकुरा को मार दिया। हाँ वैसे भी वो अब हमारे लिए कोई काम का नहीं था। अरे पर इससे क्यों दुश्मनी मोल ले ली, आप तो जानते ही हो इसका बड़ा भाई गोल्डन सकुरा है, अब तो हम जिंदा नहीं बचेंगे। आडम डाकू आज तू नहीं बचने वाला। अरे वो 10 नंबर के टेबल पर बैठा है सर। अरे ये क्या, पुलिस वाले यहाँ पर आ गए। चलो अपने अपने हथियार डाल दो, घुटनों पे बैठो। सर गोली मत चलाना, मैं सरेंडर करता हूँ।